अवसर है कि मैं पास्टर जोस को आमंत्रण दूं, जो पास्टोरल टीम के मेंबर हैं और वो परमेश्वर के वचन को लाएंगे. थैंक यू सर. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. आज सुबह प्रभु की चरणों में आया प्रभु की अभिषिक्त दास लोग, दासी लोग, सारे मेरे मित्रगण और प्रभु के बेचे लोग, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम. I greet you all in the name of Jesus, all the servants of God, men and women, children and young people. I greet you all in the name of Jesus. सबसे पहले मैं मेरा प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को सारे मान महिमा आदर सब कुछ देते, क्योंकि इस जगह में खड़ा होने के लिए कोई योग्य नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का कृपा मुझे इधर तक लेके आया, इसलिए सारे आदर प्रभु को देते. First of all, I want to give all glory and honor to Jesus Christ, my Lord and my Savior, because nobody is capable, nobody is worthy to stand in this place and preach His message, but He made me worthy, and because of His mercy, I am here today. आज सुबह पवित्र आत्मा हमें बहुत अल्पत तरीके से, नया तरीके से हमारे बीच में बातें करते, बात किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. This morning, the Holy Spirit ministered to us in a very unique way, and so I thank God for that. मेरा हिंदी आप लोग को मैं पहले में बोलता हूँ, मैं इस उदयपुर में आके सेवकाई में 2 साल अभी पूरा हो रहा है, इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा टुटा पुट्टा होगा, फिर भी आप लोग क्षमा कर दीजिए. पवित्र वचन जो कुछ कहता है, वो वचन आज सीधा हमारा जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने वाला वचन है. हम यीशु मसीह को आगे रखकर, यीशु का सहाय आगे रखकर, मैं पीछे खड़ा होकर प्रभु के नाम की महिमा करना चाहते हैं. यू नो दैट आई मूव्ड टू उदयपुर जस्ट 2 years बैक, एंड सो माई हिंदी इज नॉट सो गुड, सो आई होप यू एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट आई विल स्टैंड राइट बिहाइंड द होली स्पिरिट एंड लेट हिम डिलीवर द वर्ड. भजन संहिता 65:2 Psalm 65 verse 2. हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणियों तेरे पास आएंगे. And he says, O you who hear prayer, to you all men will come. हम एक छोटी सी प्रार्थना करें. परमेश्वर पिता, आज की सुंदर समय के लिए धन्यवाद. Lord, we thank you for this morning service. प्रभु, आज सुबह हमारा बीच में आपकी उपस्थिति है, पवित्र आत्मा हमारा बीच में कार्य कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद. Lord, we thank you because you are present right in the midst of us. Your Holy Spirit is ministering to us. प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सभी को बात कर दीजिए. Lord, speak to each one of us through your word. सारे मान महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. We give you glory and honor in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आज सुबह हमें बात करना चाहता है. इस वचन हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, अभी क्या बताना जा रहा है मैं बोलने से पहले भी आपको मालूम है, इसलिए आप बहुत प्रार्थना के द्वारा प्रभु के संगति में हम मिलकर इस वचन को लेकर आगे बढ़ेगा तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आज बात करेंगे. The Lord is going to speak to us through this word. Some of you already know what am I going to speak, what I'm going to preach about, and so I pray that you all will be you'll be prepared for it by the Holy Spirit to receive this word. प्रेरित पौलुस इस प्रकार सभी अपने लोगों को बोल रहे, मैं मंच में प्रचार करने के लिए खड़ा होगा जब भी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि उस वचन बराबर हालिया उसका द्वार खुला होने के लिए और बराबर सब लोग तक पहुंचने के लिए आप लोग कृपया प्रार्थना करिए. एंड अपोस्टल पॉल सेज दैट व्हेनेवर आई प्रीच वर्ड प्लीज डू प्रे फॉर मी सो दैट आई विल बी एबल टू डिलीवर द वर्ड ऑफ गॉड प्रॉपरली एंड एज द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रीच्ड आउट इट विल रीच टू पीपल. इसलिए आप लोग भी कृपया प्रार्थना में मुझे भी थोड़ा सहायता दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आज इस वचन के द्वारा आगे आगे हमें बात करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट टू प्रे फॉर मी ऑल्सो सो दैट द होली स्पिरिट विल वर्क एंड मिनिस्टर टू अस थ्रू दिस वर्ड. सारे दुनिया में हम देखेगा आजकल सबसे योग्य कौन है, ये सब जगह में ढूंढ रहे लोग, सब ढूंढ रहे योग्य कौन है. एंड टुडे इन दिस वर्ल्ड देयर आर पीपल लुकिंग फॉर राइट काइंड ऑफ पीपल, लुकिंग फॉर पीपल हु आर वर्थी, लुकिंग फॉर पीपल हु आर कैपेबल. एक रोगी सबसे पहले ढूंढ रहे सबसे डॉक्टर किधर मिलेंगे, क्योंकि मैं उनके पास जाऊं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सम दिस पर्सन हु इज डिसीज्ड हु इज सिक विल आस्क इज Where do I get a doctor? Where do I get a good doctor? एक विद्यार्थी ढूंढ रहे ये सबसे अच्छा एक टीचर किधर मिलेंगे. And a student often asks the question, Where do I find the best teacher?
इस तरीके से सब जगह में हम देखो सभी लोग ढूंढ रहे योग्य कौन है. And so everywhere you see people are looking for other people who are best, who are very good at it. मगर मैंने इस बाइबल के अंदर देखा एक ही योग्य है वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है. हालेलुया. Bible I find that the only best person in this world is my Lord Jesus Christ. एक किताब स्वर्ग में खुला करने के लिए उधर से आवाज आया कौन योग्य है मगर कोई नहीं था. हाँ सिर्फ एक मेमना एक हालिया प्रभु यीशु सामने आ गया और वो पुस्तक खाली खोलने के लिए तैयार हो गया. The father said, "Who will go, or who will, or who is the best person to do this job?" And the son came forward, and he did that. इसलिए आज सुबह शायद आप पहली बार इधर आया, पहली बार इस सुसमाचार सुन रहे तो आपके लिए भी ये बात आपका सामने रखता है. आपके लिए आप कौन सा विषय लेकर आज इस आलिया मंदिर की इस कलीसिया में आया? आपका विषय को उत्तर देने के लिए खुला हुआ पुस्तक लेकर आज आपका सामने आपका जीवन के अंदर कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इधर प्रकट है. If you are coming here to this church for the first time, I want to tell you, no matter what problems you come with, but here is one person standing right before you with open book in his hand, Jesus Christ, who is willing to help you and who is willing to solve your problems. इधर हम जो देखा इस वचन के अंदर हे प्रार्थना सुनने वाले सब प्राणियों तेरे पास आएंगे. And it says, oh you who hear prayer, to you all men will come. सारे विषयों के लिए एक ही नमूना अच्छा नमूना सिर्फ यीशु मसीह है. For all the subjects there is only one good example who is Jesus Christ. हमको मालूम है प्रार्थना इस इधर से छोटे बच्चे से लेकर सब लोग प्रार्थना करने वाले इधर बैठते सब लोग प्रार्थना करने वाले. प्रार्थना के बारे में कुछ बोलना सिखाना ये नहीं बात नहीं है, पुरानी बात है. बहुत सालों से इधर कर रहा है पवित्र आत्मा बीच बीच में हमारा भी सामने ये प्रार्थना के बारे में लगातार प्रभु के दास लोगों के द्वारा हमें प्रोत्साहन देता है. You know that we all know about prayer, starting from a little child to everybody sitting here. We know what is prayer and everything about it. We have been told by several servants of God over and over again from this very stage what prayer is about. आज सुबह पवित्र आत्मा प्रभु के दास के द्वारा भविष्यवाणी के शब्द इधर यशिया नबी के पुस्तक से दिया जो प्रभु के दास ने बोला बहुत से बात आज मैं जो कुछ बोलने के लिए प्रभु ने मेरे साथ बोला उससे ज्यादा करके बात इधर भविष्यवाणी के द्वारा पवित्र आत्मा ने बता दिया. This morning we had the servant of God coming over and speaking to us the word of prophecy. Whatever I am going to speak this morning, it's quite similar or actually builds up on what has been prophesied. देखिए पंतकोस्त सारे चीजों को एक बदलाव लेके आया. You see the day of Pentecost, it brought transformation, it brought change into everything. सिर्फ उस पद के अर्थ 50 इस यही है. उस पंतकोस्त पद की अर्थ 50. The word Pentecost means 50. मगर इस पिछले दो दिनों पहले पवित्र आत्मा मुझे ये बात याद दिलाया इस सेवक आई इस उदयपुर के अंदर प्रभु का दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा शुरू होकर आज 85 साल हो गया. And when I was preparing this, the spirit of the Lord reminded me that we have completed 50 years from the time when Dr. Thomas Matthew started his service. प्रभु का दास स्वर्ग प्रभु के पास जाने से पहले उसका आखिरी संडे इस कलीसिया में एक बात एक वचन बोल दिया ओ रहबोत की खुदा उसके बारे में बता दिया. And before Dr. Thomas Matthew left us, the last message he spoke was about the Lord being Rehoboth. आज पवित्र आत्मा यही बात हमको याद दिलाया वो आगे बढ़ा रहे प्रभु कुछ नया नया कार्य करने जा रहे. And even this morning, the spirit of the Lord reminded us that he is going to do something new in us. He is going to take us to a next level, to a new level. देखो प्रभु के साथ यीशु मसीह के साथ 3.5 साल साथ में चलते चेले लोग कोई कोई परिस्थिति के अंदर डर गया हो घबरा गया कैसे आगे बढ़ेगा उसको मालूम नहीं था. You see some of many of the disciples when they were ministering with Lord Jesus Christ for 3.5 years, sometimes they were scared and they feared their future. They did not know what they would do next. पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन सारे लोगों के अंदर उतर कर आया उनका सारे बदलाव सारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आया. But on the day of Pentecost, the Holy Spirit touched them, he came upon them and he brought change into their lives. डर के बैठने वाला एक साधारण पत्रोस मछुआला पत्रोस को प्रभु एक नया तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया.
Peter, a simple fisherman who was really scared, even God, through the empowering of the Holy Spirit, started working through him. साधारण लोगों को असाधारण काम के लिए हाथ में उठाकर इस्तेमाल करने वाला है मेरा प्रभु यीशु. Hallelujah. My Lord Jesus Christ is one who picks up common people and he makes them do uncommon work. इसलिए देखिए 50वीं उस दिन पंतकोस की उस दिन पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर उतर कर आया उनकी सारे विषयों के ऊपर बोल बात करने का तरीके से सारे विषयों के ऊपर एक बदलाव लेके आया. You see, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon these disciples and he brought change into everything they did. पवित्र आत्मा याद लाया इस साल में प्रभु इस जगह में कुछ नया नया कार्य अभिषेक के द्वारा करना चाहता है इसलिए हम प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है. The Holy Spirit reminded them that from that very moment the Holy Spirit is going to do something new, something different, and they need to be in prayers. यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन वो लोग लगातार वो वादा लेकर प्रार्थना में उस मरकुस की कमरे में बैठ कर प्रार्थना किया. And after the ascension of the Holy Spirit, after the ascension of the Lord Jesus Christ, for next 10 days, the disciples sat in Mark's room and they continued to pray. आपका और मेरा जीवन के अंदर प्रभु कुछ वादा किया. वो वादा के लिए हमको थोड़ा समय इंतजार रहना पड़ेगा, मगर जरूर वादा किया परमेश्वर हमारे लिए पूरा भी करेगा. Even in your life and my life, the Lord has promised something and He's going to fulfill it. But we are supposed to wait and wait upon Him till He fulfills it. प्रभु की आत्मा इस मंच के ऊपर अनेक अभिषिक्त लोगों के द्वारा प्रभु के दास दासी लोगों के द्वारा इस मंच में बैठते प्रभु की कई प्रभु बच्चे लोग के द्वारा प्रभु के दास दासी लोगों के द्वारा कई भविष्यवाणी इस हालिया मंडली के अंदर इस कलीसिया के अंदर पहले बता दिया, मगर वो सब इन दिनों में प्रभु पूरा करना चाहता है. The Lord has spoken time and over again through His servants from this very stage. For many of you, the word of prophecy has already come, and in these days, the Lord is going to fulfill all these prophecies. ये पूरा करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, हियाव नहीं. इसलिए हमें हिम्मत देने वाला, हमें मजबूत करने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करना चाहता है. Fulfill all these promises. We do not have enough strength. We do not have courage. But the Lord, the Holy Spirit, that who gives us courage and strength, He is going to fulfill His word for us. इसलिए सबसे बड़ी बात है हमको प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में बहुत आलिया ज्यादा समय बिताना जरूरी बात है. But the most important thing for us is to spend time in prayer, spend maximum time in prayer. देखिए पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति के अंदर आता है, उनके जीवन के अंदर बदलाव देता है, मगर वो किधर भी जाएगा उस परिस्थिति को भी बदलाव लेके आता है. The Holy Spirit comes upon us, He comes in our lives, and then He changes us, and He changes every situation also that we face. प्रार्थना आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार लेके आने के लिए प्रभु इन दिनों में आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है. Through prayer, God is going to bring many changes in your life, in your situations. देखो हम इस विषय में भी सबसे अच्छा नमूना मेरा प्रभु यीशु मसीह है. And even in this topic, on this topic, we find in Jesus a model for us. यीशु मसीह को प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि पिता का साथ बैठते आलिया कोई पाप नहीं है. ऐसे प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करना कोई जरूरी नहीं था, मगर पहले पत्रोस की दूसरे अध्याय 21 पद में हम देखेगा, उधर ऐसा लिखा है, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चलों पर चिहों पर चले. You see, Jesus Christ never committed any sin. He did not need to pray. And yet, in 1 Peter 2 and 4, it says, to leave us a model, to leave us a pattern, He prayed. देखिए हमारे लिए सबसे एक अच्छा मॉडल, अच्छा नमूना यीशु मसीह है. And see, for us, the best model, the best person whom we can follow is Jesus Christ. प्रार्थना करने का विषय में भी हमारे लिए क्या अच्छा मॉडल यीशु मसीह है. Even when it comes to praying, Jesus Christ is an example for us. देखिए हम अगर पत्रोस को हम नमूना बना के प्रार्थना करने के लिए जाएगा, प्रार्थना के जगह में शायद हम सो सकते हैं. And if we follow Peter as our example in prayer, then we might fall asleep like Peter did. जैसे वो पहाड़ के ऊपर यीशु अपने प्रिय चेलो तीनों को लेके गया और बोला तुम लोग इधर बैठो प्रार्थना करो, मैं थोड़ा आगे जाके बैठ कर प्रार्थना करता हूँ. वापस आके देखा तो वो लोग तीनों सो गया. And you see in the Gospels that Jesus Christ came to Garden of Gethsemane to pray and then
there were three disciples. He asked them to move a little forward, stay there and pray while Jesus goes further and prays. And when he came back after prayer, the three disciples had already slept. मेरा और आपका जीवन की सबसे एक मॉडल, सबसे एक निशानी प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए. तो भी ऐसा करेगा तो हमारा जीवन के अंदर बहुत आशीष मिल जाएगा. That means if we have Jesus Christ as our example whom we follow, then we get all the blessings from him that we need to. यीशु मसीह कई विषयों के ऊपर प्रार्थना किया. हम बाइबल में हम देख सकते हैं लूका का सुसमाचार तीसरे अध्याय 21 पद में. हम जल्दी दो तीन वचन बोल के पढ़ेंगे नहीं, आप लोग कृपया कोई बच्चे लोग कोई नोट करते तो प्लीज आपको नोट करने के लिए आयत हम बताता हूँ. तीसरे अध्याय 21 पद में बाप्टिसम की उस समय यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, स्वर्ग खुलकर पवित्र आत्मा उस जगह में उतर कर आया. देयर आर फ्यू वर्सेस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, डोंट नीड टू रीड देम, यू कैन नोट देम इफ यू वांट. फर्स्ट इज लूक चैप्टर 3 verse 21 where during the baptism of Jesus the Holy Spirit comes upon Jesus. पांचवे अध्याय 16 पद में आप देखते हैं उधर यीशु मसीह बहुत भीड़ों के जगह में अच्छा सेवकाय करते हैं, बहुत जल्दी उधर सेवा करते हैं, मगर उसका बीच में भी जाकर प्रार्थना करता है. एंड लुक चैप्टर 5 वर्स 16 इवन व्हेन जीसस इज मिनिस्टरिंग टू द क्राउड इवन इन द मिड्स ऑफ देम ही मूव्स आउट फ्रॉम देम एंड ही इज प्रेइंग. और हम कभी कभी बोल देते प्रभु हमें आलिए बहुत बिजी था इसलिए प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं था, बहुत सेवकाय में था, बहुत इधर उधर दौड़ रहा था, इसका वजह से आपका सेवा है ना इसलिए मैं वो प्रार्थना करने के लिए मेरे टाइम नहीं मिला, ये हम एक्सक्यूज बोलने वाला है. एंड समटाइम्स वी गिव सेवरल एक्सक्यूजेस. समटाइम्स वी से लॉर्ड सी आई एम मिनिस्टरिंग फॉर यू, आई एम सो बिजी विथ योर मिनिस्ट्री दैट आई डोंट हैव इवन टाइम टू प्रे. देखो दिन पर पूरा गलीली के किनारे में सभी जगह में यीशु मसीह चल चल कर, हालिया कोई घोड़ा नहीं था, गाड़ी नहीं था, हालिया सिर्फ चल चल कर, हालिया रेती का हालिया गर्म होकर और रेती के ऊपर भी अपने पैरों से चलकर सेवकाय किया. और रात को पिता के संगति में प्रार्थना करने वाला एक अच्छा नमूना यीशु मसीह का हमारा जीवन के सामने. बट लुक एट जीसस क्राइस्ट थ्रू आउट द डे ही वुड ट्रैवल अराउंड द सी ऑफ गैलीली, ही वुड वॉक अराउंड द सी ऑफ गैलीली ऑन इन दैट हॉट सैंड. देयर वाज नो कन्वेंस, देयर वाज नो व्हीकल, एंड येट ही वुड वॉक अराउंड दिस place throughout the day and yet he will have time in the night to pray. इसलिए हम सभी को प्रार्थना के विषय में कुछ भी बहाना बहाकर बाहर जाने के लिए मौका नहीं है. हालिया आज खुल्ला खुल्ला पवित्र आत्मा हमें बता रहा है सभी जगह में हमको प्रार्थना करना जरूरी है. So that means by looking at Jesus we are left with no excuse to avoid prayer. We are supposed to look at Jesus Christ and we are supposed to follow him and continue in prayers. शिष्य लोगों को चेले लोगों को तैयार करने से पहले, उनको सिलेक्शन करने से पहले उस रात को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना पिता का संगति में पूरे रात प्रार्थना करके इस 12 चेले लोगों को सेलेक्ट किया. बिफोर इवन सिलेक्टिंग द डिसिपल्स, बिफोर ही सिलेक्टेड 12 डिसिपल्स, द प्रीवियस नाइट जीसस क्राइस्ट प्रेड थ्रू आउट द नाइट द होल नाइट एंड देन ही सिलेक्टेड द डिसिपल्स. ओ आपको लुका का सुसमाचार 6 अध्याय और 12 पद में आपको मिल सकते हैं. और 9 लुका का सुसमाचार का 9:18 में ऐसे लिखा है, प्रभु बड़ा एक चमत्कार करने के बाद तुरंत प्रार्थना में गया. The selection of disciples you find in Luke chapter 6 and verse 12, and then if you move further in Luke chapter 9 and verse 18 you find that right after performing a great miracle Jesus went to pray. देखो उधर ऐसा लिखा है, सबसे बड़ा चमत्कार किया, लोग सारा प्रभु के सामने आ रहे और राजा बनाने के लिए कोशिश करते क्योंकि 5 रोटी से 2 मछली से पूरे 10,000 तक करीब 5,000 पुरुष था, इसके साथ बहुत से लोग हो सकते, औरत और बच्चे लोग सब हो सकते, 10,000 से ज्यादा हो सकते. इतने लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से पूरा लोगों को पेट भरकर खाना दिया, इसलिए लोग बोल इतना बड़ा चमत्कार किया, प्रभु का हाथ पकड़ने के लिए, मिलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए, हाली उठाने के लिए सब लोग तैयार है, मगर यीशु मसीह तुरंत उस जगह से जाकर प्रार्थना में भारी घुटना टेककर बैठ गए. You see in Luke chapter 9, the miracle of feeding more than 10,000 people with 2 fish and 5 loaves is mentioned, and there you find that Jesus Christ has performed this great miracle and everybody is looking at Jesus, everybody wants to shake hands with Jesus, everybody wants to meet Jesus, and in the midst of this crowd he moves out from them and he goes to pray.
देखो हम भी एक बात ध्यान रखना है, शायद आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपका सेवकाई के द्वारा कुछ मिरेकल आ सकते हैं। प्रभु करते हैं, प्रभु करेंगे, वो वादा है प्रभु करेंगे, मगर लोग अपने को अंगीकार करने के लिए, उठाने के लिए आएंगे। चार दिन के बाद हमको मालूम है यीशु मसीह को वही लोगों ने क्रूस पर लटका दिया। तो इस दुनिया के कोई विषय में भरोसा मत रखो, सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। So if you see, when we look at Jesus, even like him, we when we are in our ministries, when we are doing things, when we are performing miracles, people will come and follow us. They want to lift us up and they want to praise us. But if you look at the life of Jesus, after 4 days, after a few days, there were the same people who were asking for the crucifixion of Jesus. So I want to tell you, do not trust this world, do not trust the world when they praise you. Rather continue to be strong in the Lord and continue to depend on the Lord in your prayers. देखिए हालेलुया, हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर शायद इस दुनिया में अलग अलग जगह में आपको अंगीकार मिलेंगे, मगर आप प्रार्थना में कमजोर होगा तो उस जगह में हम गिरने का चांस है, इसलिए हमें प्रार्थना में लगे रखना जरूरी है। There will be people in this world who will acknowledge you, who will acknowledge your presence, but if you are weak in your prayers, you'll fall in that spot and you won't be able to rise again. So make sure that you are strong in your prayers. इधर लूका का सुसमाचार 11 अध्याय की एक ही पद पहले पद आप पढ़ेगा तो उधर ऐसा लिखा है, चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आके बोल रहे, प्रभु हमें प्रार्थना करने का कैसे वो सिखाओ, ऐसा बोल रहे। In Luke chapter 11 we find that disciples come to Jesus and say teach us to pray. उधर भी हमको देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह उसका पहले भी प्रार्थना, उनको प्रार्थना सिखाने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे। And we see that even before teaching them how to pray, Jesus was already praying. Jesus was in prayers and they had seen Jesus praying. देखो ये सारे चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का साथ चलता है, 5 रोटी से 2 मछली से इतना हजारों को खिलाया, वो देखा मरा हुआ लोगों को जिंदा कर रहे, ये सब उसने देखा। और यीशु मसीह का पहली जो अद्भुत काम है काना, वो शादी में पानी को दागरस बनाया, ये सब उन लोग ने देखा, मगर वो सब उसका टेक्नोलॉजी क्या है वो पूछा नहीं। वो लोग सिर्फ इतना ही आली उनको मालूम था, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, इसलिए हमें प्रार्थना कैसा करना है उसका सीक्रेट बताओ। And if you notice, right before this, the disciples used to walk with Jesus wherever Jesus goes. They used to go there. They used to see Jesus. They saw Jesus performing miracles in Cana. They saw Jesus performing feeding 10,000 people with the help of 2 fish and 5 loaves. And they wanted to know the secret. What is the secret? How Jesus performed this miracle? And that's why they have found out that prayer is the secret. So they come in chapter 11 and they ask Jesus, "Teach us how to pray." ये चेले लोगों की आदत आपको मालूम है, कई बार वो यीशु मसीह के सामने आके यही बात पूछा, हम आपके पीछे आ रहे, मुझे क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। और एक का माँ आके, दो भाई का माँ आके, योहन्ना और याकूब की माँ आके बोला, प्रभु आपके दाहिनी और बाहिनी हाथ में हमारा दोनों बच्चों को रखना, बाकी सबको थोड़ा दूर रखो, मगर हमारे बच्चे लोग को उधर रखना। ऐसा बोलने वाला चेले लोग, मगर उनकी आदत तो हाली बदलने के लिए एक बात उनको मालूम पड़ा, ये कुछ बातों में कार्य नहीं होगा, हमें हरिया प्रार्थना का जरूरत है, हमें मेरा प्रभु मुझे एक नमूना बताया, वो प्रार्थना करना है, हमें वो सीखना है। You see sometimes the disciples would come to Jesus and say, we have followed you, what we will get, what will be for us, what will there be for us? That's the question they ask. Sometimes the disciples' mother, like in the case of James and John, their mother came to Jesus and told him, she wanted her children, her James and John, to be seated right, left and right of Jesus's throne. But if you notice over the period of time, they learn that the secret is prayer. If they know what is prayer, then they will get the things done. And that is why in Luke chapter 11, they come to Jesus and they say, "Teach us, O Lord, how to pray." देखो उनको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का साथ चलता है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर 5 रोटी से इतना हजार को खिला सकते, एक अच्छा होटल बना सकते हैं, तो ऐसा एक टेक्नोलॉजी हमको मिलेगा तो हरिया एक बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। ये ओ लोग ने पूछा नहीं, प्रभु कैसे पानी दागरस बना सकता है, रोटी को बढ़ा सकता है, ये कुछ बात उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए प्रभु आप जैसे प्रार्थना करना, पिता की संगति में प्रार्थना करना, घुटने टेकर हरिया आशीष पाकर आगे बढ़ने के लिए मुझे वही मौका दे। हालेलुया। And if you see, they were following Jesus Christ. They knew Jesus Christ. And when they saw Jesus Christ performing miracles, they knew that Jesus Christ does not have money. Then, as it says, the Son of God does not have his
head to lie down, and he did not have money, but they knew that Jesus Christ has some secret, and they wanted to find out that, and they say that, Lord, teach us how to pray, teach us how to enjoy this blessing of prayer, teach us how to stay in, how to abide in the presence of the Father. देखिए हमको इस पुस्तक में इस बाइबल में हाँ पुराने नियम से लेकर नया नियम सभी जगह में आपको अलग अलग प्रकार की प्रार्थना के बारे में हमको देख सकता है And if you notice from the new throughout the New Testament, you find different kinds of prayer. हर परेशानी के बीच में भी हाँ आपको प्रार्थना करना जरूरी है You need to pray in the midst of all the difficulties as well. मैंने इस शहर के अंदर कई लोगों का मुंह से ये शब्द सुना मेरा हमारा ये समय इतना अच्छा नहीं ये दिन इतना अच्छा नहीं समय इतना अच्छा नहीं हालेलुया मगर आज सुबह पवित्र आत्मा ऐसे बात करने वालों को एक आवाज दे रहा है जैसे दुनिया का हिसाब से आपका खराब दिन खराब समय बोलते हैं ना उस समय आपका प्रार्थना के लिए अच्छा समय है हालेलुया And I have heard so many people say that it's a bad time, it's a bad day for me. But I want to tell you that when the world says it's a bad day for them, it's a good day, it's a good time for you to start praying. Hallelujah. प्रेरित पत्रोस को एक बार एक छोटा सा प्रार्थना करने का जरूरत हो गया वो यही समय था जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहा है हालेलुया मत्ती का सुसमाचार 14:14 अध्याय 22 से लेकर 36 तक आप पढ़ेगा तो उधर ऐसा लिखा है मैं जल्दी से बताता हूँ पानी के ऊपर यीशु मसीह आ रहा है और पत्रोस के अंदर एक बड़ा इच्छा हो गया मुझे भी प्रभु यीशु मसीह का सामने जाने And if you read from Matthew chapter 14 verses 22 to 36, you find here Peter praying. Peter prays. He sees Jesus walking on the water, and he also wants to walk on the water. So he prays to Jesus. प्रभु उनको बोला, आओ. प्रभु उनको बुलाया, आओ. हाँ, उसने तुरंत हाथ पैर रखा पानी के ऊपर पैर रखा उनका माल जब से वो जब भी फायदा हुआ उस समय से वो झील के किनारे पर रहता है मछुआला है इनको मालूम है पानी में पैर रखेगा तो क्या होगा ये सब मालूम है उनके अंदर इतना इसके बारे में ज्यादा जानकारी है फिर भी हालिया प्रभु यीशु मसीह का वो वचन के ऊपर आओ करके एक ही शब्द के ऊपर पैर रखना वो शुरू किया When he requested Jesus that he wanted to walk on water and Jesus invited him to walk on water, Peter knew what was going to happen. Peter was a fisherman. He had been on the sea. He had been around the sea for his whole life. And he knew what happens if you try to walk on the water. And yet when Jesus said, come, Peter made that effort. Peter started walking on the water. शायद आपका अभी व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपको मालूम है ये परिस्थिति मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है मेरे लिए थोड़ा मुसीबत की बात है फिर भी प्रभु आपको बुला रहे हैं तो आप आगे आने के लिए डरो मत प्रभु आपको विश्वास में आगे बुला रहे हैं Perhaps you also know that this situation is not good for you and you have been through a lot. But when Jesus calls you to come forward, he invites you to come forward, it's time that you really make an effort to move forward. शायद आपका आज सुबह इस जगह में आप बैठता है आप हंस रहे आप सामने वाला को प्रेस लोड बोल रहे फिर भी आपका जीवन के अंदर कई समस्या कई परेशानी कई मुसीबत आपको दबाव डाल रहे मगर आज यीशु आपको क्या बोल रहा है आप यीशु का वचन सुनेगा तो आपके जीवन के अंदर एक बड़ा आशीष पाकर आज वापस जा सकता है Sometimes today you will meet people. Probably you will greet them with smile, but in the inside you have lots of problem. You are going through a lot of difficulties. The Lord is saying that if you hear the word of the Holy Spirit, if you obey it, and if you start moving forward, the Lord is going to establish you. आज सुबह मैं आपको ये परिचित करता है हालिया सिर्फ आपका विषय को उत्तर देने वाला यीशु मसीह है आप और यीशु मसीह जब मिलेगा तब आपका प्रश्न को उत्तर मिलेगा हालेलुया I want to encourage you this morning that the only person who can give answer to all your questions is Jesus Christ and if you meet him today your problems will be solved you will meet the right person shayad aapko aaj subah aapke vishayon ke upar koi jawab nahi milta hai bahut saalon se prarthna karte bahut dinon se prarthna karte prabhu is vishay mein main kya karna hai aur mujhe kaise jeena hai kaise rehna hai aur mujhe batao aaj subah pavitra atma yaad dila raha hai aapke vishay ke upar uttar dene ke liye aapko aliya swagat karne ke liye aapko aur ek vishwas ke naya kadam mein aage badhane के लिए प्रभु आपको बुला रहा है Maybe you have been praying for a long long time for a certain subject maybe there is particular topic on your mind maybe there is particular issue on your heart which has not been answered and you have been praying about it I want to encourage you that today the Lord the Holy Spirit is asking you to take a step of faith and when you do that your prayers will be answered
हालेलुया, आपको उद्धार देने के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हर विषयों के ऊपर एक फुल स्टॉप करके आज तक आपको फॉलो करते, आपको निरंतर आपको पीछे पड़कर आपको दबाने के लिए कोशिश करने वाला विषयों को आज एक फुल स्टॉप करके आपको एक नया अध्याय शुरू करने के लिए प्रभु आज बुला रहा है। हालेलुया, द लॉर्ड इज कॉलिंग यू टुडे। इफ यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, द लॉर्ड इज कॉलिंग यू टुडे सो दैट ही कैन पुट अ फुल स्टॉप ऑन ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड ही कैन हेल्प यू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। पत्रोस को प्रभु ने बुलाया, उधर हमको मालूम पड़ता है हालिया इनविटेशन ऑफ फेथ, हालिया प्रभु बुला रहा है, वो बुलाहट को पता चला वो विश्वास के लिए बुलाया, विश्वास के एक नया कार्य करने के लिए, सिखाने के लिए पानी के ऊपर यीशु खड़ा होकर उनको बुला रहे, आओ हालिया मैं तुमको विश्वास का बात कदम कैसे आगे बढ़ने सिखाता हूं। एंड व्हेन जीसस इनवाइटेड पीटर, व्हेन जीसस सेड दैट पीटर मूव आउट ऑफ द बोट, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग ऑन द वॉटर, कम टू मी, एंड व्हेन ही स्टार्टेड दैट, actually Jesus invited Peter to take a step of faith. Jesus wanted to teach Peter what it means to take a step of faith, what it means to believe and start working on it. Shayad mujhe aur aapko malum hai ye paristhiti mere liye acha nahi hai, ye paristhiti mujhe niche dabayega, ye main niche jane wala hai, isliye kaise main kadam rakhu, aisa soch vichar andar pade to aaj prabhu bol rahe asambhav baaton ko tumhare liye kya sambhav hai mar mere liye sab kuch sambhav hai, asambhav baaton ko upar sali khada rah kar aapko mere आगे बुलाकर प्रभु बोल रहे हैं एक नया कदम रख देखिए, तू कर कर देखिए हालिया तुम्हारे लिए मैं कार्य करने के लिए तैयार है। Perhaps this morning when you try taking a step of faith, you are reminded of your past failures. Maybe you are suppressed by your problems. Maybe the burden of your failures, the burden of your issues is too hard on you, is too heavy upon you. But when Jesus calls you today to take a step of faith, he's inviting you to do that. And when you do that, he's ready to start a new chapter in your life. He's ready to give you a new beginning. देखो उधर पत्रोस ने वो बुलाहट को स्वीकार कर दिया और एक एडवेंचर, एक नया, एक एक दूसरे एक कदम रखने के लिए, जो बाकी चेले लोग सब नवे पर बैठा है मगर उसने एक नया कदम रखने के लिए तैयार हो गया। आज जिंदगी पर उसने हाली पानी के ऊपर चला नहीं, पानी के अंदर कई बार डूब गया मगर एक मौका मिला, यीशु पानी के ऊपर खड़ा है, इसलिए एक एडवेंचर स्टेप उसने रखने के लिए तैयार हो गया। And when Jesus invited Peter to walk on water, the other disciples were still sitting on the boat. They were still observing the whole thing. They were just looking at the whole thing. But Peter decided to take the step of faith. He moved out. He couldn't walk long. He fell in water. But yet there was a possibility, there was a chance for Peter to prove to Jesus that he is willing to take a step of faith. He is willing to take that adventurous step by trusting in the Lord. मगर उधर एक बात हमको जल्दी देख सकते हैं, उधर एक विरोधी खड़ा हो गया। विश्वास आपका स्टेप रखेगा, आपका एक कदम रखेगा, आपका सामने विरोधी तो जरूर आएगा, हालेलुया, मगर आप डरने का जरूरत नहीं, आपको बुलाया परमेश्वर प्रभु यीशु आपका सामने है, इसलिए आप डरने का जरूरत नहीं। But if you see even in this event there was this as soon as Peter started trusting the Lord there was an the enemy came up and I want to tell you that as soon as you start the walk of faith in your life there will be enemy right there to stop your journey, to not let you grow, to not let you proceed. But I want to tell you that the moment you trust in the Lord is able to lift you up. He is able to pick you out from there. देखिए उधर ऐसा लिखा है, हाली एक बड़ा हवा उधर आ गया मगर पत्रोस की नजर यीशु मसीह से हालिया निकाल कर हालिया वो विपरीत परिस्थिति को ऊपर देखने लगा और नीचे डूबने भी लगा और वो चिल्लाने शुरू हो गया। एंड इफ यू नोटिस इन दिस पैसेज वी फाइंड अ बिग स्टॉर्म कमिंग देयर एंड देन व्हेन Peter moves his eyes from Jesus Christ and he looks at the storm, he looks at this wind and his faith is shaken and he falls down. Marudar aisa likha hai, vishwas ke liye ek acha aliya srot prabhu hai, isliye usne ek do shabd se wo prarthana band kar diya, prabhu mujhe bacha le, itna hi bol diya, wo unka prarthana sunkar prabhu unko haath mein pakad kar wohi paristhiti ko jidhar dub gaya us paristhiti mein unko wapas khada kar diya. Hallelujah. When he started falling and when he started sinking in the water, he just prayed a prayer of two words. He said, Lord, save me. And at that very moment Jesus Christ came forward and pulled him out of the water. Aapka prarthana dil ki gehrai se to do shabd kafi hai, uske upar uttar prabhu dega. Hallelujah. When your prayer comes from the depth of your heart,
Jesus Christ is ready to answer your prayers. हजार बात बोलने का जरूरत नहीं था, प्रभु को मालूम है इस परिस्थिति में उनके ये दो शब्द हालिया एकदम अंदर के गहराई से है, क्योंकि उनको मालूम है अगर एक सेकंड बाकी है तो वो डूब जाएगा, पानी के अंदर जाएगा। इसलिए उसने अंदर गहराई से पूर्ण मन से पूर्ण दिल से पूर्ण शब्द जितना हो सकते सब कुछ निकाल कर प्रभु को यही बात यही प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा ले। And Jesus knows that Peter need not pray here for of a prayer of 1,000 words. He does not need to pray a long prayer here. He knows that if Peter continues to pray and if he is late in acting, then Jesus might sink there. So as soon as Peter prays, Lord, save me from the depth of his heart, Jesus comes forward, pulls him out of water. इसका मतलब आप दो शब्द में प्रार्थना करके सो जाओ ऐसा नहीं। Hallelujah. Does that mean that every night you should pray just two words and then sleep? मगर आपका दिल के गहराई से जब भी प्रार्थना करो, हमारा आप दो घंटा चार घंटा बैठ कर प्रार्थना करते हैं मगर हाली दिमाग दूसरे जगह में है तो कुछ काम का नहीं है, दो घंटा फालतू है, हाली ये सारे बात ये हवा में हाली चला गया, मगर आपका प्रार्थना दिल की गहराई से पूर्ण मन से पूर्ण दिल से आप जो कुछ करेगा पूर्ण हाली संगति प्रभु पूर्ण कार्य प्रभु के चरणों में रखेगा तो आपका जीवन के दुरुत्तर मिलेगा। What that means is that you need to pray from the depth of your heart. You need to pray a genuine prayer, because sometimes we pray 4 hours, 5 hours in prayer and our mind is somewhere else and we are not focused in our prayers and actually we are wasting our time. Dekho, if we do that when we pray from the depth of our heart, when we pray a genuine prayer, Lord is there to respond to us. Dekho, aap sabhi ka paas shayad mobile hai, bahut se logon ka paas chote chote bachcho logo ka haath mein bhi hoga. ये मोबाइल से आप दूर देश में शायद सात सागर की आगे आपका कोई पहचान वाला आपका कोई मम्मी पापा कोई भी होगा, आप इधर से एक नंबर डायल किया तुरंत दो मिनट के अंदर आपको उधर से आवाज मिलेंगे, हालिया आपका वो जवाब उधर से आ रहा है। इस पीढ़ी में ये सब सुविधा हमारे हाथ में है तो हालिया पगले जमाने से यही बात हालिया परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप बुलाएगा प्रभु जरूर उत्तर देगा। हालेलुया। We have many technological blessings today. We have mobile phones and everybody uses it. You just see when you dial number, if somebody our relatives or friends who live seven seas, who lives in a different country, when we dial their number, immediately they pick up phone and they answer us. So this technology was available to us from the very beginning when Jesus said pray, because when we pray he answers us. Jeremiah ki pustak 33 ka 33 aliya hame aliya jaise prabhu ki ek telephone number jaise humko maan sakta hai hal Jeremiah 33:3 aisa likha hai, mujhe prarthana kar aur main teri sunkar tujhe badi badi aur kathin baatein bataunga. And Jeremiah chapter 33 and verse 3, we can call this verse the telephone number of God, which says, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. देखिए ये सालों साल पुराने हालिया ये वचन है, मगर आज भी आपके लिए सभी लोगों के लिए सभी दुनिया के लिए ये वचन हालिया जैसे हमने आज पढ़ा हालिया हे प्रार्थना सुनने वाले सभी प्राणियों आपका चरणों में आ रहा है। एंड दिस वर्ड हैज बीन विथ अस बिफोर द टेक्नोलॉजी कल ब्लेसिंग्स केम टू अस एंड इट से इट गिव्स अस अ फोन नंबर ऑफ गॉड एंड इट हैज बीन देयर फॉर अस एंड इट सेज इन साम्स दैट द वन हु God who hears the prayer, let all men come to Him. मैं मेरे प्रचार जल्दी बंद करना चाहता है, इसलिए दो तीन शब्द इस वचन के द्वारा और आलिया हम देखेंगे। रईसा लिखा है आलिया अब लूका का शुभ समाचार 8वां अध्याय पढ़ेगा तो याईरोस करके एक आदमी एक यहूदी मंडली के एक सरदार प्रभु के चरणों में आकर यीशु मसीह के चरणों में गिर कर प्रार्थना किया, प्रभु मेरे घर में घर तक आ जाओ, मेरा बेटी अभी मरने वाला है, जल्दी आ जाओ। हो उनका प्रार्थना सुनकर उनकी विनती सुनकर प्रभु यीशु मसीह उनका साथ घर में जा And we find in Luke chapter 8 verse 41 in Luke chapter 8 verse 41 we find a man named Jairus and he is a ruler of the synagogue and his daughter is sick and he prays to Jesus that Lord please come to my house, my daughter is sick. आपका विषय कौन सा भी हो प्रभु की चरणों में एक बार गिरने के लिए आप तैयार है तो आपका कठिन विषयों के ऊपर उत्तर देने के लिए आज भी मेरा प्रभु तैयार है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर प्रॉब्लम इज, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज, इफ यू आर विलिंग टू फॉल डाउन एट द फीट ऑफ जीसस एंड इफ यू आर विलिंग टू मेक दैट प्रेयर द लॉर्ड इज विलिंग टू हेल्प यू। यीशु के साथ घर में जा रहे मर उधर से
दूसरे खबर आ गया ओ बेटी मर गया इधर प्रभु को लेके आने के कोई जरूरत नहीं. And while Jesus gets ready to go with him to Jairus's house, there's a news from somebody brings the news from his house and says the daughter is dead and they do not need to bother Jesus. देखो हाल ही आपके और मेरे जीवन के अंदर आप यीशु को बुलाकर आपके परिस्थिति में लेके जा रहे शायद आपको विरोध खबर सामने आ सकता है फिर भी यीशु उनको बोल रहा है तू डरो मत विश्वास सिर्फ विश्वास करो हरिया तुम्हारा बेटी जिंदा होगा. हालेलुया. Maybe you are taking Jesus to your problems. Maybe you want Jesus to take to your problems and solve them for you. And at that very moment the enemy comes up and enemy tells you that there is no need to bother Jesus now. It can't be solved. And Jesus tells to this man, he tells to us that all that you need is to keep faith in Jesus and he is going to do it for you. याकूब करके पुराने नियम में एक आदमी प्रभु की चरणों में गिरकर प्रार्थना किया मल्ल युद्ध किया और प्रार्थना की याबूक नदी की किनारे पे वो बैठकर प्रार्थना किया उनको भाई को सामना करना बहुत डर है इसलिए आगे जाने के लिए बहुत डर हो गया इसलिए उधर बैठकर प्रार्थना कर प्रभु मुझे बचा ले और उस दिन आर्या उनका प्रार्थना सुनकर आर्या उनके ऊपर उनका नाम को भी प्रभु बदलाव दिया और उनके जीवन के अंदर एक बड़ा आशीष प्रभु ने दिया. Lord, I do not want to face my brother. He was scared to face his brother. And he was praying to the Lord. The Lord not only protected him, but even gave blessings on his generations. माँ के पेड़ के अंदर से दोनों भाई झगड़ा करके आया. उस समय से झगड़ा शुरू है. मगर जिस दिन घुटना टेककर और ये प्रार्थना करना शुरू किया, उस दिन वो विषय को पूर्ण रूप से अंत आलिया एक फुल स्टॉप डाल के प्रभु एक नया कार्य शुरू किया. Jacob and Esau had problems all over their life, starting from their mother's womb. Even in the mother's womb, they were quarreling. But when they came, when Jacob bent his knees in front of God, when he started praying, the Lord resolved the conflict, and they were blessed. शायद आपके विषय बहुत साल पुराना होगा, बहुत सालों से चलते आ रहे, मगर आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देखकर ये वाणी बोल रहा है, आपके विषय को अंतिम कार्य एक कार्य करने के लिए, उनके ऊपर एक नया दिशा देने के लिए, एक नया विजन देकर आपको आगे लेके जाने के लिए, आपको परिस्थिति आपको दबाव कर रहे, तंग कर रहे, और ये स्वस्थ नहीं दे रहे, मगर प्रभु बोल रहा है, उस विषय में मैं तुमको स्वस्थ देने चाहता है, तुम मेरे चरणों पे घुटना टेकने के लिए तैयार है क्या? Maybe you have been praying for some problem for long, long time and the prayer has not been answered. Maybe a lot of problems you are going through have not been answered. Maybe you are still looking for solution. But today, this morning, Jesus is calling you to trust in Him so that He can solve your problems. 18 साल से एक औरत कुबड़ी स्त्री है. वो बराबर चल नहीं सकते. एक दुष्ट आत्मा, एक रोग की आत्मा, वो रोग नहीं है, रोग की आत्मा उनके अंदर पकड़ के उनके अड्डियों को टेढ़ा कर दिया. ऐसे परिस्थिति में सीधा किसी के सामने सीधा नहीं खड़ा सकते. ऐसे एक औरत यीशु के सामने आ गया. And a lady who has been sick or who has been suffering from this his back, she comes to Jesus. She has been suffering for 18 years and she has been put into the situation by the evil spirit and yet she comes to Jesus. लुका का सुसमाचार 13 अध्याय के 10वीं पद में आपको देख सकते हैं. मगर उधर ऐसा ऐसे एक बात ऐसा लिखा है, उधर उधर उसने प्रार्थना की, ऐसा इस बाइबल में लिखा नहीं है, फिर भी वो प्रार्थना के लिए आया. ये उनका दिल की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ा. इतना अड्डी टेढ़ा है, कुबड़ी है, फिर भी वो चर्च में आ रहा है. इसलिए उनके लिए उस दिन उसका छुटकारा का दिन प्रभु ने दिया. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है. She doesn't even ask Jesus to pray for her, but Jesus has seen this lady coming for so long time. Maybe you have been coming to the church for long, long time and you have your problems. And just because the Lord sees you coming to the church looking for your answer, the Lord is going to respond. आपका विषयों के सामने, आपका हालिया विरोधियों के सामने सीधा खड़ा रहने के लिए आपको ताकत नहीं. ऐसे आपके जीवन के अंदर कुबड़ी समान आपको टेढ़ा करने वाला परिस्थिति को आज सुबह पवित्र आत्मा बोल रहे कुछ बदलाव करने के लिए प्रभु तैयार है. ओ बंधन को तोड़कर ऐसे प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में आलिया इस वचन में ऐसे लिखा है. यशायाह की पुस्तक 10वीं अध्याय 27 पद में आप देखेगा उधर ऐसे लिखा है, अभिषेक के कारण वो बंधन टूट जाएगा. उनके बंधनों को तोड़ा फारे प्रभु आज आपका भी विषयों के ऊपर उत्तर देने के लिए तैयार है. Maybe even this morning you are going through difficult times. Maybe even this morning there are people, there are forces who want you to see crippled. But I want to tell you that Jesus wants to bring you to Him and then He wants to heal you and He
he wants to straighten you up. ऐसे कोई कोई परिवार के अंदर ऐसे समस्या है, मैं इन लोगों के सामने खड़ा नहीं रह सकते. शायद आपकी आर्थिक समस्या होगा, शायद बहुत दिनों से आप बीमार की समस्या में, कुछ बच्चे लोग के विषय में, जैसे ऐसे वचन में ऐसे लिखा है शमूएल की पहले शमूएल की पुस्तक में एक एक औरत के नाम उधर लिखा है हन्ना, वो प्रार्थना करना शुरू हो गया और उनके लिए एक आलिया संतान प्रभु दिया. आपका जो नीचे करने के लिए, आपको दबाव करने के लिए, आपको सारे लोगों का सामने झुकाने सिर झुकाने के लिए जो विषय है, आज सुबह पवित्र आत्मा बोल रहे उस विषय के ऊपर उत्तर देने के लिए प्रभु तैयार है. रो रो कर प्रार्थना करने के लिए हम तैयार है, तू कार्य करने के लिए प्रभु तैयार है. Maybe your situations are making your butt of joke among people, like in the case of Hannah who was mocked by people around her, but the Lord gave her a child and she was restored. She was answered her prayers. The Lord is going to answer your prayers as well, and he is going to silence all those who speak against you, all those people who rise against you or who oppose you. Chota prarthana ho, bada prarthana ho, मगर आपका प्रार्थना का उत्तर देने के लिए प्रभु तैयार है. अगर हमारा पूर्ण मन, पूर्ण दिल, पूर्ण हालिया वो सब कुछ हम प्रभु के चरणों में रखने के लिए तैयार है, हालिया ऐसा है तो प्रभु हमारा जीवन के अंदर उत्तर देने के लिए तैयार है. Be it a small prayer or a long prayer, if you are willing to lay down your everything, if you are willing to pray a genuine prayer from the depth of your heart, then the Lord is willing to answer you. Ek kumar ke haath mein mitti ka saman, prabhu ka haathon mein apne jeevan, apne parivar, mandli sab kuch dene ke liye hum taiyar hai to ek acha hari banane wala, ek acha kumar hamare liye in dinon mein bada karya karna chahta hai. Like clay in the hand of potter, if we are willing to give up our everything to him, if we are willing to submit everything to him in our prayers, then he is going to do marvelous works through us. हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर कलीसिया के अंदर एक बढ़ोतरी, एक विशालता प्रभु इन दिनों में देना चाहता है. God wants us to grow. God wants us to progress in our personal life, in our life of our church. हमारा अंदर इन दिनों में एलिया के समान एक प्रार्थना, दो मिनट की प्रार्थना किया मगर ऊपर से आग उत्तर कर आया. Just like Elijah who prayed just a prayer of two words and the fire came down from heaven. दो मिनट की प्रार्थना वो उसने किया. आप पढ़ के देखेगा तो 18 पहले राजा 18 अध्याय आप पढ़ के देखेगा, उसमें दो मिनट की एक प्रार्थना है मगर हमारी ऊपर से आग उत्तर कर आने के लिए वो प्रार्थना काफी था. In 1 Kings chapter 18, Elijah prayed just for 2 minutes and it was sufficient. It was enough for the fire to come down from heaven. Hallelujah. आज हमें और आप प्रार्थना करने वाले हम सभी को प्रभु ये आज्ञा दे रहा है. हम अगर प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो हालेलुया वो कर्मेल की पहाड़ के ऊपर आग उतर कर आया मगर देश के ऊपर बारिश आया. हालेलुया. And if you are willing to pray, if you are ready to pray to all those who pray regularly, I want to encourage you that as the fire came down on Mount Carmel, if you pray, the Lord is going to bless this country with the rain of blessings. उसमें एक वाणी प्रभु दे रहा है, वो यही है, हालिया मंडली के अंदर पवित्र आत्मा के आग उतर कर आएगा, देश के ऊपर आशीष की बारिश प्रभु भेजेंगे. Hallelujah. And if the fire of the Holy Spirit comes down in the church, then in the country there'll be blessings will rain down. उदयपुर के ऊपर, राजस्थान के ऊपर, भारत के ऊपर हरिया आत्मिक बारिशों के द्वारा बहुत बड़ा हरियाली, बहुत बड़ा आशीष प्रभु देने जा रहे. इसलिए मेरे सारे महिमा आदर प्रभु को देकर मेरे इस वचन को बंद करते हैं. And I trust that the Lord is going to bless Udaipur, Lord is going to bless Rajasthan and India with his blessings, and with this I want to conclude my message. Hallelujah. Hallelujah. The name of our God is The one who answers prayer. परमेश्वर का एक नाम यह है कि परमेश्वर वो है जो प्रार्थना को उत्तर देता है. One who answers prayer to whom we come. जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है उसके